IITians का नीट और जी का परफॉर्मेंस आपने सुनाई है। अब IITians ला रहा है 9th और 10th के लिए स्कूल प्लस स्पेशली फॉर स्कूल सेक्शन। राइना वाडकर 92.40%, मोहम्मद फुजैल खान 91.60%, राबिया गिरे 89%, खान सुबुल 88.80%, शाह तरन्नुम 82.80%। SSC 2024 का ये स्कूल प्लस का रिजल्ट है। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, एडमिशन ओपन है 9th और 10th के लिए। मैं असरार वाडकर एंड आई हैव स्कोर्ड 92.4% इन माय SSC एंड आई हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्कूल प्लस बाय IITians लर्न। मेरा SSC में 91.6% आया था। मैंने अपनी SSC की प्रिपरेशन स्कूल प्लस वहां से अपनी प्रिपरेशन की थी। कॉन्टेक्ट नाउ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। मुजफ्फरनगर हाईवे पर कार का धक्का लगने के कारण कांवड़ियों ने मचाया उत्पात, ड्राइवर से मारपीट करते हुए की कार की तोड़फोड़। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड ऐसे राज्यों में अब आज सोमवार से जो कांवड़ यात्रा श्रावण माह शुरू हुआ है, उस श्रावण माह का जो है पर्व शुरू हो चुका है, कांवड़ यात्रा इन सब राज्यों में निकलती है। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने फतवा दिया, फतवाई कहा जाएगा उसको, क्योंकि इस तरह से भेदभाव करने वाला कोई आदेश कभी कोई सरकार दे नहीं सकती, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। फल विक्रेताओं को, सब्जी विक्रेताओं को, ढाबा संचालकों को, मालिकों को, होटल मालिकों को, रेहड़ी मालिकों को, सबको अपनी पहचान बतानी होगी। फल का ठेला है तो फल वाला अपना नाम लिखे, ढाबे वाला नीलम ढाबा है और चालक या मालिक मुसलमान है तो अपना नाम, और कर्मचारियों के भी नाम लिखे कि उनके पास कर्मचारी कितने हिंदू है कितने मुसलमान है। बहरहाल पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई, अंतरिम रोक लगाई है। अब इसकी पूरी सुनवाई होने के बाद इस पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाने वाला है। तो एक तरफ ये घटनाक्रम चल रहा है, खुलेआम सरकारी आदेशों का जारी कर भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा को लेकर अब हिंदू मुस्लिम का जो एक नया एंगल पैदा किया गया है उस पर कांवड़ यात्री क्या कह रहे, कांवड़िए क्या कह रहे, वो भी सामने आ रहा है। मगर कई जगहों पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा के दौरान किसी न किसी बहाने उत्पात मचाया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में छपरा इलाका है, नेशनल हाईवे 58, यहां पर कांवड़ यात्रा गुजर रही थी और यात्रा गुजरने के दौरान एक कार चालक का धक्का लग गया। उसके बाद क्या था, कांवड़ यात्रा खंडित हो गई, ऐसा बवाल मचाते हुए इस कार चालक की पिटाई भी की गई। वो छुपने के लिए एक ढाबे में घुसा तो वहां पर भी उसको पीटा गया, फिर उसकी कार को तहस तहस कर दिया, और ये सब कुछ हुआ पुलिस की मौजूदगी में। पुलिस सिर्फ बिचौलिए की, बीच बचाव की भूमिका करती रही, कानून का रक्षक होने की कहीं पर भी भूमिका यहाँ पर पुलिस ने अदा नहीं की। वीडियो से आपको साफ दिखाई देगा, इससे पहले ही थाने में प्याज और लहसुन डाल देने के कारण कांवड़ियों ने इसी मुजफ्फरनगर के इसी हाईवे के पेरेई करके इलाका है वहां के भी ढाबे पर तोड़फोड़ की थी। तो कांवड़ यात्रा शुरू होते ही अब इस तरह की हर साल घटने वाली वारदातें, सांप्रदायिक घटनाएं शुरू हो चुकी है, जिसका ये उदाहरण है। देखिए भाई, ये बड़ेरी कट थाना छपार का ये कट है तिराहा, यहाँ पर
पुलिस को सूचना मिली कि कुछ कावड़ियों द्वारा लक्ष्मी फूड प्लाजा के पास रोककर और किसी चारपहिया वाहन जो उसमें लोग बैठे थे उनके साथ मारपिटाई किया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाने की पुलिस यहां पर पहुंची और यहां कावड़िये मौजूद थे। कावड़ियों से वार्ता की गई, कावड़ियों ने बताया कि यहां से करीब 1.5 किलोमीटर पहले उन्हीं के ग्रुप से एक कावड़ियों ने ये बात बताई कि किसी चारपहिया वाहन से उनके कावड़ में गाड़ी टच हो गई है। इस सूचना पर तत्काल जो कावड़िये थे उन्होंने उस गाड़ी को ओवरटेक किया और इस लक्ष्मी ढाबे के पास रोककर उनके साथ मारपिटाई की। कावड़ियों से वार्ता के क्रम में कावड़ियों ने यह नहीं बता पाए कि किसकी कावड़ खंडित हुई थी। बहरहाल उन्होंने अंतोगत्वा कावड़ खंडित न होने की पुष्टि की और वो वार्ता क्रम में अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल गए। देखिए जो भी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ ढाबे पर CCTV कैमरा लगा भी है। हम लोग पूरे घटनाक्रम का फुटेज DVR से निकाल रहे हैं और उस पूरे घटनाक्रम को हम लोग देख के फिर आगे की छानबीन भी करेंगे कि हुआ क्या था। देखो पुलिस के कर्मी सब यहाँ मौजूद हैं, अभी सभी पुलिस वालों से बात हो रहा, चूँकि यहाँ पर यहाँ दो पुलिस कर्मी जो भ्रमण में थे वो पहुँचे थे, पूरा वाक्य उन्होंने ऊपर ब्रीफ भी किया था। सर गाड़ी मालिक का पता है किसकी है? अभी उस बारे में पता नहीं चल पाया चूँकि अभी हम लोग पहुँचे हैं मौके पर स्पॉट पे और पता कर रहे हैं, सब कुछ अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। कोई कावड़िया घायल नहीं, सभी कावड़िया सुरक्षित है और उनके उनके उनका कावड़ खंडन नहीं हुआ है और वो सकुशल अपने गंतव्य के लिए आगे निकल गए हैं।